जल्दी आओ। ये ले जी। गुड्डू आ गया बाबा। कहाँ हो बेटा, चलाओ बैठो खाना खाए। गुड्डू बेटा आपको इसीलिए बुला रहा हूँ कि खाना ठंडा हो जाएगा, रोटी अकड़ जाएगी तो खाई नहीं जाएगी आपसे। चलो खाओ खाना। अरे मेरे बच्चों आप इस रोटी की आदत डाल लो भाई, मुझसे नहीं होता। सालन बनाने के लिए बावर्ची खाने में गई, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया चूल्हे के सामने। मुझसे तो नहीं होता ये, अब हर्षा हो गया मुझे तो काम छोड़े हुए। सिद्रा थी ना वो संभालती थी सारा। एक मिनट रुको, खाने का रंग कैसा है, क्या हुआ भाई? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा मजेदार सालन है, ऐसे भून भून कर मैंने पकाया ना ये, अब ना आपकी तरह कच्चा पक्का तो रखने से रही। अरे मेरी तो आदत है कि हंडिया को अच्छी तरह भून भून कर पकाती हूँ। खाओ तो सही गुड्डू, खाओ मेरे बच्चे। और बताओ दादो को कैसा है? आपने बनाया तो मजे का ही होगा दादो। बहुत मजे का है मेरे बच्चे, पेट भर के खाओ। और गुड्डू बेटा ये रात को ना दूध पीना छोड़ दो, दिन में एक ग्लास पी लिया करो, काफी है ना। बाबा अम्मी सारा खाना तो जला हुआ है, कैसे खाएं हम? अरे जला हुआ नहीं है, ये बात बता तो रही हूँ कि इतना भून भून कर पकाया है इसलिए वो जरा सा ना सांवला सा रंग हो गया इसका। गुड्डू मत खाओ, जला हुआ खाना है, खाओगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सालन लेके आ। अरे बेटा इतनी नजाकतें भी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा आदत डालो सख्ती की बच्चों को। अब नौकरानी तो घर में है नहीं कि वो खाना बनाए। तो अम्मी आप क्या कह रही हैं, मैं जला हुआ खाना खाने दूं उसे? रहने दे, मैं सालन बाजार से ले आ रहा हूं। अरे रुको बेटा मेरी बात तो सुनो, फ्रिज में रखा है, हाँ मुझे याद है वो रात का सालन रखा है, वो गर्म कर लो ना, मुझे भी दे दो, वो खुद भी खा लो। नहीं अम्मी पता नहीं कितने दिन पुराना सालन हो, गुड्डू बासी खाना नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना किया, मैं ले आता हूँ बाजार से सालन। बाबा मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा आप दादू के पास रुको, मैं ले आता हूँ सालन। अरे इसको भी साथ ले जाना वहाँ, वो क्या नाम है उसका होटल का जहाँ से रोटी सालन मिलता है, तू ले आया करेगा ना, मेरे से तो बनता नहीं है, मेरी तो हड्डियाँ जवाब देंगे और नौकरानी भी नहीं है घर पे। बैठो आप, मैं आता हूँ।